ओके गुड मॉर्निंग एवरी वन आई एम योर न्यू टीचर ऑफ जी बी ट्यूशन क्लासेस आज हम पढ़ेंगे यूनिट थ्री सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ माई सेल्फ सीआ चौधरी सो वी आर स्टार्टिंग नाउ फाइबर एज यू नो यू आर स्टडिंग इन सेवन क्लास अबाउट फाइबर एंड यू आर डेली लाइफ यू सी इन फाइबर एंड यू वियरिंग ईटिंग एवरीथिंग विच वेर यू सी दैट यूज़ फाइबर फाइबर से आप क्या समझते हो मतलब आप समझते हो उसके मतलब वो थिंग एक लॉन्ग स्ट्रेन जैसा है जिसको आप एक दूसरे में गूद कर आप एक फैब्रिक बनाते हो या फिर आप उसको कपड़े के तरफ यूज करते हो तो फाइबर आर अ थिंग लॉन्ग स्ट्रेन फाइबर से आप क्या समझते हो फाइबर आर अ थींग लॉन्ग स्ट्रेन विच कैन बी स्पून इन टू योन एन वोवेन फाइबर जिसको आप एक दूसरे मतलब फ़ाइबर को एक दूसरे में आप स्टक करके आप क्या बनाते हो एक फैब्रिक बनाते हो तो फाइबर के कितने टाइप है मेजरली टू टाइप है पर रियली में फ़ाइबर के कितने टाइप होते हैं थ्री टाइप होते हैं नेचुरल फाइबर आर्टिफिशियल फाइबर और एक और फाइबर होता है उसको क्या बोलते हैं सेमी आर्टिफिशियल फाइबर और सेमी सिंथेटिक फाइबर तब इसमें एक और इंक्लूड कर सकते हो सेमी सिंथेटिक फाइबर सेमी सिंथेटिक फाइबर आपको सेमी सिंथेटिक फाइबर और आर्टिफिशियल फाइबर उन दोनों में सेम ही होगा बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं बस सेमी सिंथेटिक फाइबर में आप रॉ मटेरियल नेचुरल यूज करते हो तो आप नेचुरल फाइबर से क्या समझते हो फाइबर ऑप्टेन फ्रॉम अ प्लांट और एनिमल सोर्स नेचुरल का मतलब ही क्या होता है कि जो हम आप नेचर से ऑप्टेन करते हैं तो नेचुरल में क्या क्या आएगा आपका आप शीप से जो प्रोड्यूस करते हो उसको क्या बोलते हो वूल बोलते हो कॉटन है वो हम कॉटन प्लांट से डेवलप करते हैं फिर उसमें से आ जाता है एक सिल्क सिल्क होता है वो हम कहाँ से ऑप्टेन करते हैं सिल्क वॉम में से आपको पता है सिल्क की स्टोर क्या है सिल्क सबसे पहले कहाँ ऑप्टेन हुआ था चाइना में चाइना के लोग हैं ना मतलब वो इंट्रोवर्ट है वो अपनी चीज़ें दूसरों को देने में नहीं समझते वो खुद अच्छा पहनेंगे चाय की भी शुरुआत वहीं से होती चाइना से आप जो टी सब सुबह उठ के कप मुँह पर लगा लेती हो वहीं तो अगर आप सिल्क देखो तो सिल्क में क्या होता है ब्लैंक स्लाइड ले लेते हैं इसमें पहले से ही बहुत सारा वन सौ मिनट तो ये ब्लैंक स्लाइड है तो उसमें हम क्या देखेंगे सिल्क वम की साइकिल हमें सिल्क मिलता कैसे है? कौन सा पिंक कलर रख ले ठीक हाँ, है चलो कोई बात नहीं और उसको हम एक पॉइंट बढ़ा भी देते हैं ठीक है सबको दिखाई दे रहा है तो अब हम देखेंगे कि सिल्क सिल्क की हम हिस्ट्री जान लेते हैं तो सिल्क सबसे पहले कहाँ से मिला था चाइना से मिला था तो चाइना में भी उन्होंने ऐसा कोई इन्वेंट नहीं किया था उनको भी एक्सीडेंटली सिल्क मिल गया था वो सिल्क के कपड़े पहनते और वो बहुत एक्सपेंसिव में मतलब बहुत एक्सपेंस था क्योंकि तब सिल्क का पता ही नहीं था कि कैसे बनता है कैसे नहीं बनता फिर हम इंडिया के लोगों की त आदत ये कि अगर किसी को कुछ अच्छा लगे तो हम ट्राई करते कि वो कैसे फिर इंडिया के लोग चाइना में गए और फिर हमें वहाँ पता चला कि वो सिल्क वॉम नेचुरली प्रोड्यूस करते तो सबसे ज़्यादा सिल्क इंडिया में आंध्रा में बनता है आंध्रा में लोग स्पेशली सिल्क के लिए अपना पूरा एक कोटेज बनाते और उसमें सिल्क वाम का हम कल्टिवेट करते उसमें सिल्क वाम पूरा रख लेते तो सिल्क सिल्क वाम हम साइकिल देखते हैं कि सिल्क वाम बनता कैसे पहले एक होता है अडल्ट अडल्ट वो, वो दिखता कैसा है बटरफ्लाई की जैसे सेम आपकी बटरफ्लाई ऐसी होती है ना मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है पर फिर भी ये क्या है अडल्ट वो में ये मेरा आर है कोई कंफ्यूज मत होना अडल्ट होम होता है वो क्या करता है एग रखता है पहले एग ही रखेगा क्योंकि कोई भी एनिमल है सबसे पहले क्या रखेगा एग रखेगा ठीक है उसके बाद क्या होगा एग है एक में से क्या बनेगा लार्वा क्या बनेगा लार्वा स्टेज लार्वा में क्या होता है कि वो इतने इतने छोटे छोटे कैटरपिलर जैसे दिखते हैं अभी बने नहीं होते उनके जैसे दिखते है ऐसे ऐसे उसके बाद क्या बनता है कैटरपिलर क्या बनता है कैटरपिलर ऐसे ऐसे करके उसकी दोनों आंखों और ये बना लिया हमने ये और उसके पर होता है इस तरह से मतलब वो पूरे अपने बॉडी को कवर कर लेते पर वो भी बाहर नहीं निकले होते उसके बाद उसका स्टेज आता है हम क्या देखेंगे उसके बाद उसका स्टेज आएगा कौन सा काकून सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट काकून स्टेज में जब वो होता है कैटरपिलर वो अपने सराउंडिंग को ऐसे 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 करके मतलब पूरा वो कवर कर लेता है कवर करने के बाद हम क्या करते हैं जब भी अपनी बॉडी को कवर करता है तो इसमें से हम एक एक स्ट्रैंड को निकाल लेते हैं स्ट्रैंड निकालेंगे उसके बाद हम एक एक स्ट्रैंड को लेंगे और फिर उसको हम क्या करेंगे जैसे वूल में करते हैं उसी तरह हम उसको फैब्रिक में कन्वर्ट करना शुरू कर देंगे तो ये पूरी साइकिल को इसकी हो गई सिल्क की कि हम सिल्क वॉम में से सिल्क को कैसे प्रोड्यूस करते हैं एक अडल्ट वम होता है वो एग रखता है उसके बाद वो लार्वा कंडीशन में जाता लार्वा स्टेज में जाता है लार्वा के बाद वो क्या बनता है केटरपिलर बनता है केटरपिलर होता है तो वो छोटे छोटे पन्नों पर ऐसे 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 रेंगता है उसके बाद वो जब ट्री पे होता है मतलब वो उल्टे लटके होते हैं अगर आपने पोकेमोन देखा होता है तो पोकेमोन में बहुत सारे ऐसे मतलब इसे हैंगिंग स्टेज में देखा होंगे कुछ वे वो इंसेक्ट होते तो वही इंसेक्ट सिल्क वोम होते हैं जो कुछ स्टेज में होते हैं का स्टेज में सबसे ज़्यादा और इम्पोर्टेंट है सबको याद रखना ये का कौन स्टेज में से हम उसमें से एक एक स्ट्रेंड निकाल लेते हैं उसको पूरा का पूरा मतलब उसको निकाल के उसके बाद वो क्या बन जाता है इसमें से जब वो बाहर निकलता ना तो इस तरह से दिखता है एक बटरफ्लाई की तरह समझ में आया उसके बाद आपका सेकेंड सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आएगा आर्टिफिशियल सॉरी यहाँ पे ये यह पहले से यूज़ हुआ इसलिए ऐसा लग रहा है आर्टिफिशियल आपसे पहले भी एक लोगों की क्लास हुई थी वो जान नहीं रहा है इसमें से आई ट्राई इट बट इरेजर काम नहीं कर रहा है इस पर सो लेट इट गो अगर आपको ना दिखे तो आप मुझे बोल देना मैं अपलोड करवा दूंगी ठीक है है आर्टिफिशियल क्या होता मेड फाइबर और फाइबर सिंथेसाइज बाय ह्यूमन मतलब जो इंडस्ट्रीज में जो फाइबर बनते हैं जो मेन मेड फाइबर बनते हैं उसको हम क्या बोलेंगे सिंथेटिक फाइबर सिंथेटिक फाइबर और उसको हम क्या बोल सकते हैं सॉरी यहाँ पे आप करेक्ट कर लेना मतलब ये सिंथेटिक सही है पर यहाँ पे मैंने फिर भी सिंथेटिक लिख दिया तो आप यहाँ आर्टिफिशियल मेन मेड कुछ भी लिख सकते हैं जो आपको सही लगे आर्टिफिशियल ओके okay. उसके आर्टिफिशियल के एग्जांपल क्या है नाइलोन और रेयोन एक्रिलिक है पोलिस्टर है सभी एग्जांपल किसके है आर्टिफिशियल फाइबर के आर्टिफिशियल फाइबर का कहां से बनते वो केमिकल प्रोसेस ऑफ केमिकल प्रोडक्ट्स मतलब जो पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें केमिकल प्रोसेस करके हम क्या बनाते हैं सिंथेटिक फाइबर में तो सिंथेटिक फाइबर का बेसिस पता है क्या पॉलीमर जैसे हम सिल्क वॉर्म का कैसे बेसिक था कि हमने एग में से बने उसी तरह ये आर्टिफिशियल फाइबर होता है उसका बेस क्या होता है पॉलीमर पॉली का मतलब आप जानते हैं पॉली कौन सा वर्ड है ग्रीक वर्ड है पॉली का मतलब सबको पता है क्या होता है मेनी होता है होता है और मर का मतलब होता है यूनिट क्या होता है यूनिट ओके गॉट इट एवरी वन तो मतलब छोटे छोटे मतलब यूनिट को आप मतलब छोटे छोटे बहुत सारे यूनिट को मिला के आप क्या बना रहे हो एक पॉलीमर बने रहे हो और उसी पॉलीमर से आप क्या बना रहे हो फाइबर बना रहे हो तो इसका मतलब क्या हुआ सिंथेटिक फाइबर अप ऑफ मेनी स्मॉल रिपीटिंग सब यूनिट मतलब पॉलीमर है वो किससे बना हुआ है स्मॉल सिंथेटिक फाइबर के मतलब जो यूनिट होते हैं उनको मिला के आप क्या बना रहे हो एक फैब्रिक बना रहे हो या फाइबर बना रहे हो और सिंथेटिक फाइबर या सिंथेटिक फाइबर मेड अप ऑफ मेनी स्मॉल रिपीटिंग सब यूनिट और अब पॉलीमर वर्ड कहाँ से डिस्क्राइब हुआ ये भी हमने यहाँ लिख चुक लिया है उसके बाद हम पॉलीमर के एग्जाम्पल पढ़ेंगे एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स और पॉलीमर्स आप दोनों एक ही समझ सकते पर उसमें सबसे पहला हमने लिखा है रेयो पर रेयॉन पता है पूरा का पूरा सिंथेटिक नहीं है ये इसका एग्जांपल है सेमी सिंथेटिक इसका एग्जांपल है सेमी सिंथेटिक फाइबर सेमी सिंथेटिक फाइबर ये कैसे हुआ बनता केमिकल ही है पर उसका जो रॉ मटेरियल है वो क्या है वुड पल्प है आप वुड पल्प लेते हो उसमें केमिकल प्रोसेस करके आप क्या बनाते हो रेयॉन बनाते हो यहाँ लिखा इट इज ऑल्सो नोन इन आर्टिफिशियल सिंक पर उसमें आप ऐड कर सकते हो इट इज नोन एज सेमी आर्टिफिशियल क्या लिखोगे आप सेमी आर्टिफिशियल मैंने जानबूझ के आर्टिफिशियल लिखा है क्योंकि आप लोगों को समझ आना चाहिए ये करेक्शन आप यहाँ करोगे ठीक है तो ये किससे चीपर होता है सिल्क से सिल्क आप हर कोई सिल्क यूज नहीं कर सकता क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा महंगा एक्सपेंसिव होता है इसलिए सिल्क से चीपर हमने क्या ढूंढ लिया रेयन ढूंढ लिया और वो किससे बनता है वुड पल्प से बनता है और उसमें हम मिक्स क्या करते हैं कॉटन एंड वूल आप कॉटन और वूल उसमें मिक्स कर सकते हो ठीक है उसके बाद आपका सिंथेटिक फाइबर का दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है नाइलॉन नाइलॉन होता है वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग इलास्टिक लाइट लस्ट्रस इजी टू वॉश नाइलॉन के आपके पांच कैरेक्टर से आपको अगर कोई पूछ ले तो आप क्या लिखोगे इज अ स्ट्रांग इलास्टिक लाइट लस्ट्रस इजी टू वॉश फेब्रिक है फैब्रिक या फिर फाइबर आप उसको बोल सकते हो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों है वो क्योंकि उसमें पूरा का पूरा केमिकली प्रोसेस है आप कोई भी रोप देख लीजिए पाइप देख लीजिए कई सारे से टॉय भी होते मतलब टेंट होते वो सब किसके बने होते हैं नाइलोन के बने होते हैं और नाइलोन है वो सब किससे किस किस चीजों से बना यहाँ पे आपको लिखा हुआ इट इज फर्स्ट कंप्लीट सिंथेटिक फाइबर कंपोज्ड फ्रॉम कोल एयर एंड वॉटर किन किन चीज़ों से बना है कोल एयर एंड वाटर एंड इट हैज़ नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन एप्लीकेशन मतलब ये कहाँ कहाँ यूज़ हम कर सकते हैं तो कहाँ कहाँ यूज़ होता है रोप्स में होता है टेंट्स में होता है पैराशूट रोप बेल्ट पैराशूट होते हैं उसमें भी जो फाइबर यूज़ किया जाता है वो किसका बना होता है नायलॉन का बना होता है पर नाइलॉन का एक ड्रॉबैक है कि नायलॉन फटाफट फ्लेम कर, से कनेक्ट हो जाता है मतलब वो फ्लेम बहुत ईजिली कैच कर लेता है इसीलिए हम बोलते हैं एक हम कंटिन्यू कर सकते हैं तो नाइलॉन का हमने ड्रॉबैक क्या देखा कि वो बहुत इजीली फाइबर को मतलब वो फ्लेम को कल, बहुत इजीली कैच कर सकता है इसीलिए आपको बोला चाहते हैं कि आप किचन में नाइलॉन के कपड़े यूज़ ना करें क्योंकि वो फ्लेम को बहुत जल्दी कैच कर लेता और आप उसे जल भी सकते उसके बाद हम क्या हमारा है पॉलिस्टर तो पॉलिस्टर क्या है कि हम कोई भी कॉटन के कपड़े यूज़ करते तो वो क्या होता है जल्दी रिंकल हो जाता है नायलॉन के कपड़े वो भी बहुत ज़्यादा रिंकल तो उसका भी हमें तो क्या है हम इंसान है हमारे पास दिमाग है तो हम अपने जो फैसिलिटी के लिए हम जो यू यूज़ करते हैं तो उसके बाद हमने क्या ढूंढ निकाला पोलिस्टर जो क्या है रिंकल फ्री है इजी टू वॉश तो नायलोन भी था पर वो रिंकल फ्री नहीं था उसमें आप ऐसे करके मतलब आप उसको मोल्ड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा वो आराम से मतलब उसमें रिंकल आ जाएंगे और आप उसको अच्छे से पहने पे, से और बार बार आप उसको आयरन नहीं कर सकते तो इसलिए हमने पोलिस्टर का हमने इन्वेंशन किया तो पोलिस्टर होता है किसका रिपीटिंग यूनिट होता है एस्टर का हमने सभी का जो सब यूनिट होता है वो देखा है कि कौन किस में से बनता है हमने रेयन को देखा तो रेयन वुड पल्प में से बनता है रे नाइलॉन होता है वो कोल एयर और वाटर से बन के मिलता है उसी तरह पोस्ट ये पोलिस्टर का देखेंगे तो किसमें से बना हुआ है एस्टर में से एस्टर के छोटे छोटे ग्रुप को हम कन्वर्ट करके हम क्या बनाते हैं पोलिस्टर ओके इट कैन मिक्स विथ वूल अगर आप पोलिस्टर को वन्स मिनट अगर आप पोलिस्टर को किसके साथ कनेक्ट करें पोलिस्टर उसमें से आप चलो पोलिस्टर हटा दो एस्टर को अगर आप वूल में कन्वर्ट करते हो तो ये क्या बन जाएगा वूल वुल okay? अगर आप को कॉटन से आप कर, करते हो क्या बनेगा पॉली कोट ओके ये ओ है समझ में आ रहा है आपको हो एक तो ये बहुत परेशान कर रहे हैं ओके okay? अब दिखाई दे रहा है सबको तो देखो अगर आप पॉलीएस्टर को वुल के साथ कन्वर्ट करते हो तो वो क्या बन जाएगा पोलीवूल अगर वही आपने एस्टर को किसके साथ ज्वाइन किया कॉटन के साथ तो क्या बनेगा पोलिकोट ओके गोट इट एवरी वन फिर पोलिस्टर का सबसे ज्यादा यूज होने वाला क्या होता है पीई टी पोली इथिलीन टेट्राथेलेट क्या होता है पोली इथिलिन टेट्राथेलेट जिसकी सबसे ज़्यादा हमें डिमांड है आपने देखा कोई भी मतलब आप चीज़ लेते हो तो उस पर पी टी लिखा होता है पी टी का मतलब क्या होता है फुल फॉर्म यहाँ लिखा हुआ पोली इथीलिन टेट्राफेलेट और उसके एप्लीकेशन क्या है बोटल्स बनाते हैं फिल्स बनाते हैं वायर्स बनाते हैं समझ में उसके बाद हमने एक और फाइबर बनाया उसका हमने नाम क्या दिया एक वो किसका अल्टरनेटिव है वुल का अल्टरनेटिव है हम कोई भी चीज़ अगर महंगे में हो ना तो हम हमेशा उसका सस्ता देखते हैं कि हम इससे भी कम रेट में क्या बना सकते हैं तो हमने कम रेट में क्या बनाया एक्रीलिक जो किसका मतलब चीपर फॉर्म है फूल का नेचुरल वूल हम इतना ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं कर पाते इसलिए हमने उसकी जगह क्या बनाया एक्रीलिक बनाए सभी को एग्जाम्पल समझ में आया उसके बाद हम पढ़ेंगे प्लास्टिक जैसे कि हर किसी का एक सब यूनिट होता है जिसके सबसे छोटा यूनिट होता है तो प्लास्टिक का सबसे छोटा यूनिट है कार्बन प्लास्टिक किन किन चीज़ों से बना है कार्बन से बना है कार्बन की छोटी छोटी चेन से ये कार्बन दूसरा कार्बन तीसरा कार्बन चौथा कार्बन इसी तरह हम कार्बन को इन्फिनिटी मतलब बहुत सारे कार्बन को बना के हम क्या बनाते हैं प्लास्टिक बनाते हैं जो कभी डीकम्पोज ही नहीं होता जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक है तो प्लास्टिक बनाने के लिए भी हमें दो चीज़ें चाहिए ऐसा जरूरी नहीं है कि हर प्लास्टिक एक ही चीज़ें प्लास्टिक बनता है एक लीनियरली कैसे बनता है लीनियर लीनियर चेन में क्या होता है मतलब लीनियरली चेन होती है सी कार्बन 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 उसी तरह इसकी चेन चलती जाएगी पर एक और दूसरी चेन क्या होती है क्रॉसलिंग पांच मिनट दूसरी क्या हो जाएगी क्रॉस okay. लिंक क्रॉस लिंक में क्या होगा आप एक पहला कार्बन ले रहे हो दूसरा कार्बन ले रहे हो तीसरा कार्बन ले रहे हो फिर उस तरह ये दोनों भी आपको ज्वाइन करना है आपने इस तरह पूरा का पूरा ज्वाइन कर लिया ठीक है आपको समझ में आ रहा है तो ये दो प्लास्टिक बनाने के लिए भी क्या चाहिए लीनियर चेन और क्रॉस चेन समझ में आए उसके बाद प्लास्टिक की आपको प्लास्टिक के यूज़ सबको पता है सब प्लास्टिक आर अवेलेबल इन डिफरेंट कलर साइज कैन बी रीमोल्डेड एंड रीयूज मतलब आप प्लास्टिक को डिफरेंट कलर में यूज़ करते हो साइज़ आपको जैसा चाहिए आपको उसको रीमोल्ड कर सकते हो मतलब जो प्लास्टिक है उसको डिफॉर्म करके आप वापस दूसरा कोई प्लास्टिक बना सकते हो और उसका आपका री भी कर सकते हो और सबसे ज़्यादा आप यूज़ किस में करते हो पोलिथीन बैग्स में एज यू नो सभी आजकल कुछ भी हो जाए हमें पोलीथीन दे दीजिए पर आपको पता नहीं है वो पॉलीथीन हमें कितनी हार्म करते हैं उसी तरह प्लास्टिक के भी दो टाइप होते हैं कितने टाइप होते हैं दो टाइप पहला है थर्मोप्लास्टिक और दूसरा है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक थर्मोप्लास्टिक होता है उसमें उसकी खासियत क्या है मतलब उसकी कैरेक्टरिस्टिक समझो वो तो वो क्या होती है वो आराम से डिफॉर्म कर सकती है अगर आप उसको हीट अप्लाई करोगे तो वो आराम से मेल्ट हो जाएगा और आप उसको जितना दूसरा शेप देना है जिस तरह देना है जिस मोल्ड में देना आप उसको आराम से दे सकते हो तो ऐसे प्लास्टिक का आप क्या बोलेंगे थर्मोप्लास्टिक और उसका सबसे पहला एग्जांपल है पीवीसी पॉलीथीन मेकिंग टॉय एंड कॉम कंटेनर पीवीसी का फुल फॉर्म क्या होता है पीवीसी पॉली विनाइल पीवीसी पॉलीविनाइल कंपाउंड कौन सा मिनट हाँ पॉलीविनाइल से वो क्या बनता है पीवीसी वन सौ मिनट आप पॉलीविनाइल ही समझ लीजिए उसमें से पीवीसी पॉलीविनाइल ओके और उसके बाद उसका दूसरा कौन सा है पॉलीथीन जो हम यूज करते हैं बहुत सारी इथिलिन को साथ में इथिन को साथ में बन के क्या बना हुआ है पॉलीथीन क्या बना हुआ है पोलीइथिन और जिससे हम क्या बनाते हैं टॉय, कॉम्स कंटेनर एवरीथिंग विच वी मेक उसके बाद उसका सेकेंड है थर्मो प्लास्टिक थर्मो प्लास्टिक इज अ प्लास्टिक इन विच यू कैन नॉट डिफॉर्म एंड री यूज इट वॉट डू यू मीन बाई इट इट मीन्स बाय व्हेन यू प्लास्टिक मेक इन अ वन शेप देन यू कैन नॉट डी एंड री यूज अगेन बाई हीटिंग मतलब आग अगर, अगर आप उसको एक बार गरम कर लेते हो तो उसके बाद उसको आप कितना भी गरम कर लो कितना भी मतलब उसको टेम्परेचर दे दो वो मेल्ट नहीं होगा ऐसे प्लास्टिक को क्या बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक और थर्मोप्लास्टिक का सबसे बेस्ट एग्जांपल है बेकेलाइट एंड मेलामाइन बेकेलाइट और मेलामाइन बेके सबसे ज़्यादा किचन एसेसरीज है किचन यूटेंसिल में यूज़ होता है आप किचन में देखते हो प्लास्टिक के कुकर्स होते हैं वो कभी मेल्ट क्यों होते हैं आप उसको हीट प्रोवाइड करते हो उसमें खाना बनाते हो सब कुछ करते हो तो वो किससे बने होते थर्मोसेटिंग से बने होते हैं और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में भी वो बेकेलाइट और मेला से बने होते हैं इसकी वजह से ही वो कभी वापस कितना भी हम हीट प्रोवाइड कर ले हम उसको किसी पर भी रख ले वो डिफॉर्म नहीं होते समझ में इतने तक हमने अभी तक क्या देखा फाइबर्स को क्या फाइबर्स की डेफिनेशन क्या है फाइबर्स के टाइप कितने अगर टाइप है नेचुरल और सिंथेटिक तो उसके एग्जाम्पल क्या है और वो उसको हम प्रोड्यूस कैसे करते हैं उसके बाद हमने एक अलग से टॉपिक देखा प्लास्टिक प्लास्टिक है एक फ, प्ला, सिंथेटिक फाइबर ही है पर फिर भी उसको हम अलग से कैटेगरी में रखते हैं कि वो कार्बन चेन से बना होता है तो हमने प्लास्टिक के मतलब टाइप्स देखे प्लास्टिक कैसे बनता है हमने देखा किस चीज़ से बनता है लिंक लीनियर है या क्रॉस लिंक अरेंजमेंट है वो हमने सब कुछ देखा अब इसके बाद हम देखते हैं उसके एडवांटेज के प्लास्टिक के एडवांटेज क्या हो सकते प्लास्टिक का सबसे पहला एडवांटेज है वो नॉन रिएक्टिव होता है वो लाइट वेट होता है स्ट्रॉग और ड्यूरेबल तो होता ही होता है क्योंकि नाइलॉन में हमने देखा ना कि वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ड्यूरेबल भी है क्योंकि हम घर में सभी प्लास्टिक यूज करते ही और प्लास्टिक में क्या होता है आप उसको कैसे भी से फोल्ड करो आराम से फोल्ड हो जाता है मोल्ड हो जाता है और प्लास्टिक सबसे ज़्यादा पुअर कंडक्टर होता है पुअर कंडक्टर मतलब वो अपने आप में से किसी को पास नहीं होने देता हीट और इलेक्ट्रिसिटी स्पेशल इसीलिए हमें प्रीफर किया जाता है कि हम प्लास्टिक के चंपल पहने जिसकी वजह से अगर हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगे तो भी हमारी बॉडी इतनी ज़्यादा इफेक्ट ना करे पर ये है हमारा सबसे उसके बाद आता है डिसएडवांटेज हमने सभी एडवांटेज तो लिखे पर नीचे हमने यहाँ से क्या लिखना है डिसएडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है इसका सबसे बड़ा कि ये बायोडिग्रेबल ही नहीं है ये डिकम्पोज ही नहीं होता जाता ही नहीं अगर ये जाएगा ही नहीं तो फिर हम उसको हम उसका करेंगे क्या हम इंसान है वो भी हम भी मर जाते हैं तो हमारे बाद दूसरे आते हैं पर अगर ये डिफॉर्म ही नहीं हो रहा अगर इसको हम जलाएँगे फिर भी हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा अगर आप इसको रखेंगे तो फिर कहाँ रखेंगे क्योंकि हमारे क्या होता है री यूज़ रिप्लेस रिप्लेसमेंट हर किसी चीज़ का चाहिए पर प्लास्टिक हम रिप्लेसमेंट कर ही नहीं सकते कि वो डिग्रेबल ही नहीं है और वो सालों तक हमारी जमीन में ऐसे के ऐसे ही रहता है उसी फॉर्म में जिस फॉर्म में हमने उसको बनाया अगर आप प्लास्टिक को बर्न करोगे तो प्लास्टिक किससे बना हुआ है कार्बन से बना हुआ किसके कॉन्टेक्ट में आएगा ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में आएगा और क्या बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड अगर वो उसका बर्निंग ही प्रॉपरली नहीं होगा तो क्या बनेगा कार्बन मोनोक्साइड सीओ का मतलब क्या होता है यहां मैं लिख देती हूँ सीओ कार्बन Monoxide. हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा हार्मफुल यही होता है कार्बन मोनोऑक्साइड हमारी बॉडी में जाके हम तक ऑक्सीजन पहुंचने ही नहीं देता वो हमारे हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होके कुछ अलग ही बना देता है. इसलिए हम उसको जला भी नहीं सकते उसको डिकम्पोज भी तो इसका करे तो करे क्या इसके बहुत ज्यादा मतलब अभी डिमांड है कि हम प्लास्टिक को कैसे रीयूज कर सकते हैं तो रीयूज का सबसे ज्यादा एक ही अच्छा है हम फाइव आर को माइंड में रख के प्लास्टिक को यूज़ करें रिड्यूस मतलब कम से कम प्लास्टिक हम यूज़ करें अगर प्लास्टिक है तो उसका सबसे ज़्यादा रीयूज मतलब एक चीज़ उसमें ली उसके अलावा दूसरी चीज़ उसमें आप कन्वर्ट करो रिसाइकल अभी सबसे ज़्यादा डिमांड में यही है कि अगर आप प्लास्टिक हमें देंगे तो हम उसका रिसाइकल करके हम फिर से दूसरा नया प्लास्टिक बने रिकवर एंड रिफ्यूज़ या तो आप उसको यूज़ ही मत करो रिकवर मतलब आप उसको यूज़ कर रही हो फिर भी उसके बाद दूसरी बार उसका यूज करो या फिर उसको आप उसको रिसाइकल करने के लिए तो आपको फाइव आर माइंड में रखने हैं जब भी आप प्लास्टिक ये तो अभी रिकवर एंड रिफ्यूज नया है वरना पहले थ्री आर ही थे जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है रिड्यूज रिफ्यूज़ एंड रिसाइकल ओके गॉट इट एवरी वन इसमें से किसी को कोई डाउट है अभी तो किसी ने पढ़ा उसमें से अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप जी ट्यूशन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो मैं आपको इसी समय शाम के पाँच बजे या फिर मेरी दो ही क्लास होती है सुबह के सात बजे अभी आपका मॉर्निंग सेशन है आप शाम के पाँच बजे भी मेरी क्लास लाइव अटेम्प कर सकते हैं आपके लाइक और कमेंट पे डिपेंड करेगा कि आप किस बैच में आपको इंक्लूड किया जाएगा ओके एवरीवन वन गॉट इट इनमें से कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई हो तो आप बता सकते हो ये जो बीच में जो ये प्रॉब्लम आ रही है वो नहीं आएगी और जब वीडियो अपलोड किया जाएगा तब और इसके नीचे आपकी पीडीएफ भी दी जाएगी और जिसमें मैंने जो एक्स्ट्रा लिखा है वो भी आपको पीडीएफ में नोटेशन के साथ दिया जाएगा ओके अगर आपको अच्छा लगा तो आप सब लाइक कर सकते और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप डाउट सेशन में अपना डाउट डाल सकते ओके वन सौ मिनट Okay, bye everyone.